मैं सीधे चलूंगा बड़ी खबर कश्मीर से, मेरे सहयोगी इरफान लेकर आ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पाक आतंकियों के निशाने पर बीजेपी के नेता, आतंकी हमले में कुलगाम में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या, हमले में बीजेपी के युवा मोर्चा समेत के महासचिव समेत 3 की मौत। जम्मू कश्मीर में 6 महीने में 14 बीजेपी नेताओं की हत्या। सीधे चलूंगा मैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इरफान मौजूद है। इरफान, क्या बीजेपी को जान पूछ के टारगेट नहीं किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल निशांत, साफ तौर पर इसी बात का जो खदशा है वो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता खुद उठा रहे हैं। और आज कुलगाम में मेरी कई बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह की गतिविधि धारा 370-35 ए हटाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में विकास को लेकर की है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जिस तरह सियासी गहमागहमी बीजेपी ने लगातार मजबूत की, अपना फुट होल्ड मजबूत किया, उसके चलते कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता निशाने पर है। मुझे एक बात बताइए, और इरफान में आपके लिए ये सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कई बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि कभी आपने सोचा कि सिर्फ हमारे नेताओं पर ही हमला क्यों हो रहा है, वहां की जो लोकल पार्टीज है उनके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है, तो क्या वो लोग मिले हुए हैं? देखिए निशांत, ये जो सवाल है बहुत मुश्किल सवाल इसलिए भी है क्योंकि लगातार जिस तरह कश्मीर घाटी में पिछले एक साल से केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, हालांकि कुछ इक्का दुक्का जो हमले सरपंच या पंच पे हुए जिनकी एसोसिएशन पीडीपी है एनसीसी थी वो भी देखने को मिला, लेकिन साफ तौर पर सॉफ्ट टारगेट यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है। उसका एक कारण ये भी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अभी ग्रास रूट लेवल पर मौजूद है, वो लोगों के बीच जाते हैं, और कई कार्यकर्ता ऐसे हैं के पास सुरक्षा नहीं है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने श्रीनगर की बात करें या साउथ कश्मीर के हसास जिलों की आप बात करें, वहां पर होटल्स में सुरक्षा मुहैया कराई है इन तमाम कार्यकर्ताओं को, लेकिन उनको जब घर जाना होता है या वो जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं तो वहां पर एक बार फिर से सुरक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है। जिस तरह कल फिदा हुसैन और उनके साथ 2 और उनके साथी कुलगाम के वाईकेपुरा में आए थे और वहां पर मिलिटेंट्स ने घात लगाकर उन पर हमला किया। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।